हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में पादरा टू किम सेक्शन में लेके आया हूँ, जहाँ पर कंक्रीट रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस रोड का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जा रहा है उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, जहाँ पर एम्बैकमेंट से लेकर GSB तक मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। आज मैं आपको PQC और DLC किस तरह से किया जाता है उसको डिस्क्राइब करूंगा। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से PQC और DLC का काम किया जाता है। GSB का काम कंप्लीट हो जाने के बाद और डेंसिटी अचीव हो जाने के बाद आप तुरंत ही DLC का काम शुरू कर सकते हैं। DLC ड्राई लीन कंक्रीट होता है। इसका स्पेसिफिकेशन मॉर्थ के सेक्शन 600 पेज नंबर 255 से आप देख सकते हैं और IRC SP 049 में भी इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। DLC के ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिप्पर या डंपर का यूज़ किया जाता है, जो बैचिंग प्लांट से कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसे हाइड्रोस्टेटिक पेवर द्वारा साइट पे लेइंग किया जाता है। अब DLC एक ड्राई लीन कंक्रीट होता है, तो इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें या स्लम्प की बात करें तो स्लम्प आपका ज़ीरो होता है। इसका स्लम्प ज़ीरो होना चाहिए ऑन द लेइंग टाइम। जब आपका लेइंग किया जाएगा तो स्लम्प शुड बी ज़ीरो। DLC की थिकनेस और विड्थ की बात करें तो थिकनेस 150 mm रखा जाता है, जो NH और स्टेट हाईवे के प्रोजेक्ट में सभी जगह पर 150 mm ही रखा जाता है। और इसके विड्थ की बात करें तो मेन कंक्रीट पेमेंट का जो विड्थ होता है, जैसे यहाँ पर 18.75 mm है, तो यहाँ पर विड्थ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है। DLC का विड्थ मेन कंक्रीट पेमेंट के विड्थ से एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है। मेन कंक्रीट पेमेंट का विड्थ 18.75 मीटर है, तो DLC का विड्थ 21.5 मीटर रखा गया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है फॉर इजी मूवमेंट ऑफ PQC पेवर। DLC का टेम्परेचर 25 टू 30 डिग्री के बीच में मेंटेन होना चाहिए और विद इन 2 आवर्स में बैचिंग प्लांट से लेकर लेइंग तक 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। चलिए अब लेइंग के बाद कॉम्पैक्शन किस तरह से किया जाता है उसको देख लेते हैं। इसमें डबल ड्रम स्मूथ व्हील्ड वाइब्रेटरी रोलर का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पास विदाउट वाइब्रेशन के मारा जाता है और उसके बाद वाइब्रेशन के साथ पास मारे जाते हैं और लास्ट पास में वापस से विदाउट वाइब्रेशन के पास मारा जाता है, जिससे कोई भी अंडुलेशन या इम्प्रेशन ना बचे। DLC में डेंसिटी चेक करने के लिए सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का यूज़ किया जाता है और 2000 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक डेंसिटी का होल किया जाता है। DLC के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए 3 क्यूब सैंपल लिए जाते हैं 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया से। DLC का काम कंप्लीट हो जाने के बाद 7 डेज तक इसको क्यूरिंग किया जाता है, उसके बाद ही ट्रैफिक मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। QC करने से पहले सरफेस की स्मूथनेस को चेक करने के लिए सरफेस रेगुलेटरी टेस्ट किया जाता है, जो अभी आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से किया जा रहा है। अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद इस पे सेपरेशन मेंबर का लेइंग किया जाता है। सेपरेशन मेंबर 125 माइक्रोन थिकनेस का एक प्लास्टिक शीट होता है। इसे DLC पर पूरी तरह से लेइंग करने के बाद PQC स्टार्ट किया जाता है। सेपरेशन मेंबर में क्रीज को कम्प्लीटली रिमूव करके नेल द्वारा फिक्स कर दिया जाता है और अगर जहाँ पर ओवरलैप आता है 300 mm का ओवरलैप प्रोवाइड किया जाता है। अब गाइड वायर पर लेवल को चेक किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से गाइड वायर पर लेवल को चेक किया जा रहा है। गाइड वायर को सेंसर वायर भी कहा जाता है, जिसकी हाइट को लेवल देकर सेट किया जाता है और पेवर के दोनों साइड में इसको एक लाइन में अलाइन किया जाता है।
ये PQC की थिकनेस और विड्थ को मेंटेन करता है। यहाँ पर PQC का थिकनेस 300 mm है और विड्थ की बात करें तो 18.75 मीटर का टोटल PQC विड्थ है, जिसे दो पार्ट में किया जा रहा है, 8.75 मीटर का और 10 मीटर का। यहाँ पर पेवर की एक बार में PQC कितनी विड्थ की हो पाएगी, ये पेवर के स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। 18.75 मीटर एक ही बार करने के लिए आपको बड़े पेवर का रिक्वायरमेंट होगा। 18.75 मीटर का पेवर सबसे पहले पटेल इंफ्रा ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज़ किया था। बैचिंग प्लांट से कंक्रीट को डंपर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बैचिंग प्लांट से कंक्रीट निकलने के बाद ट्रांसपोर्टेशन और लेइंग में लगने वाला समय 2 आवर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेइंग के दौरान टेम्परेचर 25-30 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। और स्लम की बात करें तो कंक्रीट का स्लम 25 ± 15 mm या तो 10 mm या 40 mm के बीच में स्लम का रिक्वायरमेंट रहता है। PQC करते समय एटमॉस्फेयर का डाटा भी कलेक्ट किया जाता है। अभी यहाँ पर एनीमोमीटर द्वारा एयर स्पीड को देखा जा रहा है। यहाँ पर 2 km/h का स्पीड शो कर रहा है। PQC के दौरान 25 km/h से अबाव की एयर स्पीड नहीं होनी चाहिए। एम्बियंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को भी चेक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेवर के द्वारा 300 mm की थिकनेस का लेइंग किया जा रहा है और एक्सेवेटर के थ्रू स्प्रेडिंग किया जा रहा है कंक्रीट का। पेवर द्वारा PQC का लेइंग कंप्लीट होने के बाद इसमें डॉवल बार इंसर्ट किया जाता है। ये ट्रांसवर डायरेक्शन में कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट को बनाने के लिए डॉवल बार इंसर्ट करते हैं। इसे मैकेनिकली फिक्स किया जाता है, मशीन द्वारा इंसर्ट किया जाता है और जहां पर मैनुअल PQC की जाती है वहां पर क्रैडल लगाकर डॉवल बार फिक्स किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं डॉवल बार किस तरह से होता है। इसका 60% हिस्सा प्लास्टिक शीट से कवर होता है। ये एक तरफ कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट और एक तरफ एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करता है। चलिए अब देखते हैं इस डॉवल बार को किस तरह से मशीन के द्वारा इंसर्ट किया जाता है PQC के अंदर। डॉवल बार कितना स्पेसिंग में प्रोवाइड करना है और उसको किस थिकनेस तक PQC के अंदर प्रोवाइड करना है, यह आपको ड्राइंग में मेंशन होता है। आप यहाँ पर रेड कलर का मार्क देख रहे हैं जो डॉवल बार के इंसर्ट पोजीशन को शो कर रहा है। यहीं पे हमें डॉवल बार प्रोवाइड करना है, तो जहाँ पर पेवर मशीन इस पोजीशन पे आ जाता है वहाँ पर आप देख सकते हैं इसे किस तरह से मशीन इंसर्टर के थ्रू किस तरह से PQC में प्रोवाइड किया जा रहा है। डॉवल बार को ट्रांसवर डायरेक्शन में और टाई बार को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। टाई बार और डॉवल बार दोनों का ही स्पेसिफिकेशन आपको अगर डिटेल में जानना है तो मैंने उस पर एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। डॉवल बार इंसर्ट होने के बाद PQC में इस तरह से कुछ मार्क बच जाता है। इस मार्क को फ्लोटर द्वारा सरफेस को क्लीन कर लिया जाता है। कंक्रीट का फिनिशिंग वर्क करने से पूर्व ही इसे वाइब्रेशन द्वारा कॉम्पैक्ट किया जाता है। वाइब्रेशन के लिए नीडल पेवर में ही प्रोवाइड किया जाता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक पेवर होने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा नीडल वाइब्रेटर का यूज़ नहीं किया जाता है।
PQC का फाइनल फिनिश कंप्लीट हो जाने के बाद सरफेस पे टेक्सचरिंग किया जाता है। इसे मैकेनिकल ब्रिसल द्वारा किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से टेक्सचरिंग किया जा रहा है। इसमें मैकेनिकल ब्रिसल का यूज़ किया जाता है। इनका लेंथ 100 mm का लेंथ होता है और ब्रिसल का लेंथ 90 mm हो जाने पर इसे रिमूव करके वापस से न्यू ब्रिसल को प्रोवाइड किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये PQC के अंदर 3-4 mm का डेप्थ इसका रिक्वायरमेंट रहता है। इसे आप यहां पर देख सकते हैं टायर ट्रेड डेप्थ गेज द्वारा इसे मेजर किया जा रहा है और इसका रिक्वायर्ड डेप्थ 3-4 mm होता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, अगर कंक्रीट का सरफेस पे किसी भी तरह की ब्लीडिंग है तब तक टेक्सचरिंग नहीं किया जाता है। टेक्सचरिंग करने के तुरंत बाद ही क्यूरिंग कंपाउंड स्प्रेड किया जाता है। यह भी इसी मशीन के द्वारा किया जाता है जिसमें टाइनिंग किया जा रहा है। टाइनिंग की जगह पर अब क्यूरिंग कंपाउंड का लेइंग किया जा रहा है। आप डे लाइट में इसे अच्छी तरह से देख पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिमिलर क्वांटिटी में किस तरह से क्यूरिंग कंपाउंड का स्प्रेड हो रहा है। PQC का लेइंग मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट में किया जाता है जहां पर टेम्परेचर मेंटेन करना और ट्रैफिक कंट्रोल करना इजी रहता है, इसलिए प्रेफरेबली नाइट में PQC का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। PQC को स्टार्ट और एंड करने पर इस तरह से स्टील शटर का यूज़ किया जाता है जहां पर डॉवल बार लगाकर स्टील शटर प्रोवाइड किया जाता है। PQC लेइंग से लेकर 28 दिन तक ट्रैफिक के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट रखा जाता है और इसका कंटिन्यूसली क्यूरिंग किया जाता है। जिस लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन में टाई बार को इंसर्ट नहीं किया है वहाँ पर ड्रिल लगाकर इंसर्ट किया जाता है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही आप डॉवल बार का डेप्थ और स्पेसिंग चेक कर सकते हैं। PQC कंप्लीट हो जाने के बाद और ट्रैफिक को शुरू करने से पहले टेक्सचर के डेप्थ चेक करने के लिए सैंड पैच मेथड का यूज़ किया जाता है। सैंड पैच मेथड या हाईवे स्ट्रक्चर रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और आप इस तरह की टेक्निकल वीडियो और भी देखना पसंद करते हैं या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जल्द से जल्द न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।